इस वक्त हम मौजूद हैं आईफैक्स के आर्ट गैलरी में, जहां चंद्रपाल राजभर जी की चित्रकला की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। देख सकते हैं आप कितनी सुंदर सुंदर कृतियां यहां पर मौजूद हैं, जिनको इन्होंने कैनवस पे उतारा है। तो आइए आपको ले चलते हैं अब चंद्रपाल जी के पास और बात करते हैं उनसे। सर, अपने बारे में कुछ बताएं हमें। सर, मैं यूपी से सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ और काफ़ी संघर्षों के बाद दिल्ली में आने का एक अवसर मिला हुआ है। मैं चाहता था कि दिल्ली में अपनी एक एकल का सोलो शो हो और आज ये सोलो शो मेरा चल रहा है, बहुत खुशी है और सारी कृतियाँ गैलरी की शोभा बढ़ा रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है और मैं बराबर अब दिल्ली का सफ़र करता रहूँगा और हर साल में एक प्रदर्शनी दिल्ली में करता रहूँगा। उत्तर प्रदेश की छवि और छटा को बिखेरता रहूँगा ताकि पूरे हिंदुस्तान में इसकी छवि बिखरे। सर, ये जो चित्रकला जो आपने पिरोया है जो कैनवस पे, तो हमें ये बताएं कि इसकी प्रेरणा की स्रोत क्या रही है आपकी? इसकी प्रेरणा की स्रोत, मैं बचपन से ही आर्ट से प्रभावित रहा हूँ और बचपन से मैं ये चाहता था कि एक आर्टिस्ट बनूं और मैं धीरे धीरे कैनवस पे वर्क करता गया और कागज़ों पे वर्क करता गया, वो चीज़ें मेरे पास धीरे धीरे आती गई, कलेक्शंस होता गया, फिर आज ही इस मुकाम पर आ चुके हैं और लोगों को भी देखता गया कि लोग इस तरह से कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं तो आगे जा रहे हैं, हम भी करें हम भी आगे जाएंगे। तो सर, आपने कहीं प्रशिक्षण भी लिया है इस चीज़? प्रशिक्षण राज्य ललित कला एकेडमी हाई कोर्ट के बगल में है, लखनऊ उत्तर प्रदेश यूपी में है। हमने वहाँ से 6 महीने का डिप्लोमा किया, इसके बाद समकालीन कलाओं का भी डिप्लोमा किया कई, और इसके बाद इसके पहले हमने हमारे साकेत पीजी कॉलेज अयोध्या फैज़ाबाद में, जो वहाँ से हमने ड्राइंग एवं पेंटिंग से एमए किया। इसके बाद मैं धीरे धीरे वर्क करता गया और ये चीज़ें आती गई। अच्छा, किसी एक चित्र के बारे में अगर आप हमें विवरण दें। एक कृति है ये मातृत्व, आइए मैं इसके बाद चलता हूँ। वाटर कलर से बनाई गई है और जिसमें एक माँ का रूप दर्शाया गया है और ये बहुत कुछ बयां कर रही है कि माँ कहीं भी हो, चाहे वो इंसानों की हो या फिर पशु पक्षियों की हो, माँ माँ होती है। वो चाहे इस ग्रह पे रहे या उस ग्रह पे रहे या कहीं भी रहे, लेकिन अपने बच्चों के लिए वो हमेशा जो है तत्पर रहती है। कहीं भी रहे वो कभी भी अपने बच्चों को भूखा नहीं दे सकती है। ये पेंटिंग मातृत्व है जी। दर्शकों का जो प्रोत्साहन होता है, ये एक कलाकार के लिए प्रेरणा का बहुत ही बड़ा स्रोत होता है, तो इसको आप आगे किस स्तर पर लेकर जाना चाहते हैं सर? यहाँ के बाद मैं चाहता हूँ कि ये आर्ट और इसकी छवि, इसकी छाया प्रति पूरे हिंदुस्तान के सभी के पास हो और लोग उससे सीखें, लोग समझें और उससे लोग प्रेरित हों और काफ़ी सुकून महसूस करें। प्रकृति को भी आपने रंगा है अगर कहा जाए तो, जो अभी विद्वान हो रहा है समाज में, तो आपने प्रकृति को भी रंगा है, तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो अगर आप एक उस तरह के भी चित्र का वर्णन करें सर। प्रकृति का ये एक मिश्रित इस पेंटिंग का नाम है, जो बिल्कुल ढलती हुई शाम के साथ दिख रही है। इसमें हमने ये दिखाया कि जो संवेदना है वो लोगों को महसूस हो रही है इस कृतियों में, और इस कृतियों में हमने सूखा पेड़ दिखाया कि आज प्रकृति के विदोहन के कारण पेड़ जो है सूख गए हैं और वो फट गए हैं, चिड़चिड़े हुए हैं, कब टूट के गिर जाएं कुछ कहा नहीं जा सकता, लोगों की वेदनाएं हैं वो हमने कोरे कागज़ पे दर्शा लिया। वो एक हमारा एक लैंडस्केप और एक मैसेज हो गया पूरे हिंदुस्तान, पूरे विश्व के लिए प्रकृति के रूप में। तो देखा आपने कितनी सुंदर सुंदर कृतियां इस वक्त हमारे सामने मौजूद हैं और मैं तो मतलब मन मोहित हो गया हूँ बिल्कुल। जब जब मनुष्य प्रकृति का विदोहन करता रहेगा, तब तब एक कलाकार प्रकृति में रंगों को भरता रहेगा, उसके सौंदर्य को दर्शकों के सामने लाता रहेगा। उत्तम ज्योति कैमरामैन वीरेंद्र के साथ दलित दस्तक के लिए।